गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके आया हूँ मैं जहाँ का मटन जो है वो बहुत फेमस है। मैंने काफ़ी नाम सुना है इसका और मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पे जाओ आप, यहाँ का मटन ट्राई करो। जगह का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ठीक मेरे पीछे यहाँ पे, ये है अंबरसरी ढाबा। मैं लिखा हुआ अंबरसरी ढाबा, प्योर देसी घी यूज्ड, मतलब प्रॉपर देसी घी यूज़ करते हैं अंदर। 1:30 बजे दुकान खुलती है, अभी जस्ट 1:40 हो रहा है। 10 मिनट में यहाँ पे अंदर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अभी अंदर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोग खड़े हुए अपने ऑर्डर लेने भी आए हैं। टेक अवे भी है और आप यहाँ पे बैठ के डाइन इन भी कर सकते हैं। तो अभी अंदर चलेंगे, इनसे बात करेंगे भैया से, और जो इनकी स्पेशलिटी है वो पूछेंगे क्या है, वही ट्राई करेंगे और आप लोगों को उसका रिव्यू देता हूँ मैं। हेलो भैया। हेलो, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सनी है। सनी भैया, ये दुकान का मैंने काफ़ी नाम सुना है कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को बहुत रिकमेंडेशन आई थी कि दिल्ली में अगर आप हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा एक बार। पहली बात आपको मतलब ऐसी क्या खास बात है यहाँ पे, क्या स्पेशलिटी है? अगर मैं पहले नॉनवेज की बात, नॉनवेज ही मिलता है या वेज भी मिलता है? वेज में हमारे पास एक ही आइटम है। अच्छा, बाकी सब नॉनवेज है। वेज में क्या है? दाल मखनी। दाल मखनी, चलिए उसकी बात नहीं करेंगे अभी। नॉनवेज में आपकी क्या स्पेशलिटी है? नॉनवेज में हमारा ये मटन है। ये हाँ जी, कीमा मीट, कीमा कलेजी, कीमा मीट, कीमा कलेजी, कीमा एग करी, चिकन बिरयानी। अच्छा, और चिकन कोरमा वो डिनर में होता है। चिकन कोरमा सिर्फ डिनर में मिलेगा और लंच में अभी बाकी सब आइटम मिलेंगे। बाकी सब आइटम लंच। अच्छा, तो मटन में जो है मेरे को मतलब काफ़ी रिकमेंडेशन थी कि मटन ज़रूर ट्राई करें। वो कीमा मटन है या मटन कोरमा है, कौन सा है वो? कीमा मटन। कीमा मटन है तो लंच में कीमा मटन, और कीमा मटन रात को भी मिल जाएगा? हाँ जी, वो रात को भी मिल जाएगा और दोनों टाइम मिल जाएगा। सिर्फ कोरमा जो है वो डिनर में मिलेगा। अच्छा, बिरयानी सिर्फ लंच में? चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? चिकन बिरयानी। अच्छा, कितना कितना टाइम हो गया इस दुकान को यहाँ पे? मेरे को हो गए सर 15 साल। 15 साल। और भी कोई ब्रांच है यहाँ पे? यही है सिर्फ, यही ब्रांच है। अच्छा, आप और आपके भाई ये रन करते हैं? तो ये स्टार्ट आपने किया था? आपके फादर? हमारे फादर साहब है। अच्छा, अंकल जी ने किया था? हाँ जी। ओके भैया, एक बार दिखा दीजिए जरा कीमा मटन। चलिए भैया का अभी कीमा मटन देखते हैं। इधर ये है क्या? हाँ जी, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ एक बार, यहाँ से थोड़ा रोशनी, हाँ यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ग्रेवी एकदम बेहतरीन लग रही है। अगर मैं आपको वीडियो में ऑप्शन होता ना खुशबू सुंघाने का, भाई मैं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा अभी। ये है हमारा कीमा मटन, मिर्चा चला के दिखा दीजिए इसको जरा। देखिए यहाँ से प्रॉपर व्यू आ रहा होगा आप लोगों को। यार ग्रेवी तो देख के मज़ा आ गया इसको। मतलब मैं जब भी कोई फूड ब्लॉग करने जाता हूँ ना, मैं सुबह से कुछ खाता नहीं हूँ, वो भी ऐसी भूख लग रही है। यहाँ देखिए कस्टमर खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया मनवी। आप क्या, कौन सा आइटम लेने आए हैं? कीमा मीट। कीमा। अच्छा, आप रेगुलर कस्टमर हैं? कितने टाइम से आते हैं आप यहाँ पे? 2 साल। 2 साल से आ रहे हैं। तो मतलब कीमा मटन है जो आपको यहाँ पे, मतलब कैसा उसका टेस्ट, कैसा है? आप अगर उसको 10 में से नंबर देंगे तो? 10 देंगे, बाकियों से काफ़ी अलग है। अच्छा। खास बात ये है कि जो टेस्ट यहाँ का है वो आपको किसी और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा, वो कारण है कि बार बार यहाँ। जी, थैंक यू बात करने के लिए। भैया आपका क्या नाम है? नितेश कुमार है। मुकेश कुमार, आप क्या लेने आए हैं? मैं तो रोटी लेने। रोटी लेने आए हैं? अच्छा, और भैया आप? मैं मिस्टर मंगल हूँ जी। मैं बिरयानी लेने आया हूँ। अच्छा, बिरयानी लेने आए हैं। मैं परमानेंट कस्टमर। परमानेंट कस्टमर है। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? 15-20 साल। 15-20 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया बात करने के लिए। ये यहाँ पे ये रोटी, भैया कौन सी तंदूरी रोटी रही? ये रोटी हमारी आटे की। आटे की रोटी है? एमपी आटा। अच्छा, और वो भी नान वगैरह भी देते हैं क्या? नान, ये वाली थी ना? नान भी होता है, बटर नान भी होता है। ये लगाना था? बटर नान भी है। घी वाला? अच्छा, पांच रोटी। तो चलिए भैया ने अभी मटन दिखाया, भैया बिरयानी दिखा दीजिए एक बार। हाँ जी, अच्छा, ये है इसके अंदर बिरयानी। यार ये तो अलग ही, मतलब चावल एकदम खिला हुआ है। ये भैया बासमती चावल है? गोल्डन राइस। यार इसका तो अलग ही, मतलब देख के मज़ा आ गया इसको। यार अभी इंतज़ार नहीं हो रहा, अभी देखते हैं अंदर, हमें जैसे स्लॉट मिलेगा अंदर बैठने का, इसका रिव्यू करते हैं। कीमा मटन। ये भैया तंदूर में बना रहे हैं रोटी, देखेंगे तंदूर के अंदर, देखेंगे लाजवाब लग रहा है, अंदर आग जल रही है इसमें। एक बार में कितनी रोटी लग जाएगी भैया इसमें? 16-17 रोटी एक बार में आ जाएगी इसमें। देखिए
अंदर यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ है, ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ अच्छी खासी कैपेसिटी है। और ये देखिए भैया के यहाँ पे ये रिकॉग्निशन वगैरह सब यहाँ पे अखबार में भी आ चुका है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। यहाँ देखिए लाजवाब लाजपत नगर, मतलब लाजपत नगर भाई मशहूर है इस जगह के नाम से, अंबरसरी ढाबा। और प्रॉपर देसी घी में आपको मिलेगा यहाँ पे चिकन मटन जो भी है। ये देख रहे हैं आप, ये सारे रिकॉग्निशन भैया ने यहाँ पे लगा रखे हैं वॉल पे, एक तरीके से इसको वॉल ऑफ फेम भी बोल सकते हैं ये। और ये देखिए आप, मतलब दुकान को अगर आपको दिखाऊं तो एकदम रॉ रखा हुआ है भैया ने। जो जितनी भी जो ऑथेंटिक दुकानें हैं ना दिल्ली में, जैसे मैं कहते अशोक एंड अशोक मीट ढाबा पे, उनका भी एकदम रॉ था अंदर। ऐसा नहीं कि शो ऑफ बाजी कर रखी है दुकान के अंदर, जो खाने की क्वालिटी है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से लोग बैठ के खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपने खाने का। तो बस थोड़ी देर में हम अभी खाएंगे और इसका रिव्यू करते हैं। भैया टाइमिंग क्या है इसका, किस टाइम खुलता है ये? अपना मॉर्निंग में रहता है 1:30 से 4 बजे तक लंच टाइम जो है। 1 से 4? 1:30 से 4 बजे तक, और डिनर में रहता है 7:30 से 9:30 बजे तक। 7:30 से 9:30 बजे तक। किसी दिन ऑफ रहता है? ऑफ ट्यूजडे, जैसे ट्यूजडे ऑफ रहता है, बाकी 6 दिन खुलता है। थैंक यू। लच्छा पराठा नहीं? हाँ जी हाँ। लाजवाब लग रहा है यार एकदम, मतलब देखो ये रहा इसमें से भैया निकाल निकाल के देसी घी। और ये अच्छा पराठे के अंदर भी लगा रहे हो आप? हाँ जी। मतलब जो देखा है पराठे के ऊपर या रोटी के ऊपर देखा है, अंदर भी ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो गाइस ये हमारा खाना आ गया है, ये है मटन कीमा। ये देख रहे हो, मतलब ग्रेवी देख रहे हो क्या जानदार लग रही है इसकी। और ये 2 पीस आए हैं इसके अंदर, पर प्लेट मिलता है आपको यहाँ, हाफ और फुल का कोई झंझट नहीं है, एक ही प्लेट मिलेगा आपको। प्राइस मैंने आपको बाहर दिखाया था, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं अभी, ये जो इसका प्राइस लिखा हुआ आ रहा है। और ये मैंने मंगाया अभी लच्छा पराठा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बहुत भूख लग रही है अभी और इंतज़ार नहीं हो रहा इसका। और साथ में भैया ने दिए ये प्याज। तो पहले मैं ग्रेवी टेस्ट करता हूँ इसकी और फिर इसका ओवरऑल रिव्यू दूंगा मैं आपको। अरे यार ये मतलब ये जो मटन है ये रेटिंग का मोहताज ही नहीं है भाई। देसी घी जो उसके ऊपर से डला हुआ है उसका ऐसा टेस्ट आ रहा है, एकदम निखार दिया इसने इस मटन को। ये तो हो गई ग्रेवी की बात, अभी मैं ज़रा पीस ट्राई कर लेता हूँ इसका। बहुत गर्म है ये, देखिए आप थोड़ा पास से दिखाता हूँ, कैमरा थोड़ा पास लाइए। देखिए ये मटन है ना, हल्का सा ऐसे करो ये टूट गया, ये देख रहे हो एकदम बाहर आ गया ये पीस। ऐसा घुल रहा है मटन, इतना सॉफ्ट है। और ये सॉफ्ट मटन जो है ये पहचान है कि मतलब कितनी शिद्दत के साथ ये मटन पकाया गया है। ये जो मीट है ये आप देख रहे हो ऐसे अलग हो रहा छूते ही। सॉफ्टनेस देखिए आप, इसका टेक्सचर देखिए कितना मुलायम है अंदर, मज़ा आ गया भाई इसका। अभी इसका टेस्ट मैं पराठे के साथ करता हूँ। ये लच्छा पराठा मैंने आपको दिखाया था जब बना रहे थे, जब ये बन के बाहर निकला था इसके अंदर भी इन्होंने घी लगाया था। ये मैंने पहली बार देखा कहीं कि लच्छा पराठा के अंदर जो लेयर्स हैं उनके अंदर भी घी लगा रहे हैं। कोई कंजूसी नहीं है इसमें, क्वालिटी पूरी एकदम भरपूर दे रखी है इन्होंने। और अभी पहला बाइट ये लच्छा पराठा के साथ मटन कीमा। मतलब ये मोहब्बत है भाई, ये है दिल्ली की शान, दिल्ली की जान है ये। मैंने आपको पहले ही बोला था जो ऐसी शॉप्स हैं ये अंदर इन्होंने इतनी शोबाजी नहीं कर रखी है, एकदम सिंपल रखा है इसको, रॉ रखा है इन्होंने यहाँ पे। और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्वालिटी एकदम बरकरार है इनकी। बहुत रिकमेंडेशन आई थी, बहुत लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ आप, इसका मटन काफ़ी एकदम लाजवाब है ये। मतलब मटन की ग्रेवी ने भाई दिल जीत लिया। ग्रेवी तो क्या, जो पीस है इतना सॉफ्ट है। एक प्लेट में आपको 2 पीस मिलेंगे, ये देख लो
कैसे एकदम रेशा रेशा हो रहा है ये। इसकी रेटिंग की बात करूं पहले तो मतलब मुझे खुद इसको रेटिंग का मोहताज नहीं है जैसे मैंने बोला, बट फिर भी ऐसा फूड ब्लॉगर मेरा काम है इसको रेटिंग देना। 10 में से इसको दूंगा मैं पूरे 20 नंबर, डबल नंबर दे रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि क्या क्वालिटी है इसकी। एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, आप ये देखिए मटन जो ग्रेवी देख रहे हैं एकदम खिल के आ रही है। और ये जो इसके ऊपर आप ये रेड कलर देख रहे हैं, ये सब देसी घी है इसके ऊपर। ये भाई मतलब मुझे तो प्यार हो गया इस मीट से, कीमा मीट जो है ये। एक और बाइट हमारी गई इसके साथ, ये डुबाया ग्रेवी के अंदर। ये देखिए मजा आ गया भाई। तो भाई ये साथ में हमने और मंगाया ये चिकन बिरयानी, इसके साथ चलो चिकन बिरयानी भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये गोल्डन राइस, एकदम खिला हुआ राइस आप देख रहे होगे, आपको दिखा एकदम अलग अलग दिख रहा है, एकदम बड़ा राइस हो अलग ही दिख रहा है। पहले इसको रॉ ऐसे ही ट्राई करते हैं, फिर इसमें ग्रेवी डाल के ट्राई करेंगे। तो बिरयानी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको दिल्ली में दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी जो मैंने ट्राई करी है अभी। ये नॉर्मल बिरयानी जो आपको दूसरी जगहों पर मिलेगी ना, वो लाल चावल, वो थोड़ा सा सफ़ेद चावल मिक्स करके दे दिया, वो चीज़ नहीं है। चावल एकदम खिला हुआ। और ये देखें इसके अंदर आप इन्होंने जो लौंग डाल रखी है, खड़े मसाले एकदम परफेक्ट तरीके से डले हुए हैं, ये हमारा तेज पत्ता, सारे मसालों का टेस्ट एकदम खिल के ऐसे बाहर आ रहा है। और देयर लाइक मेजर चंक्स हैं इसके अंदर, ये जो चिकन के थोड़े बड़े बड़े बहुत बड़े नहीं कहूँगा पीसेस हैं जो काट के इसमें डाले गए हैं, और परफेक्ट टेस्ट आ रहा है। अभी मैं आपको मटन की ग्रेवी के साथ दिखाता हूँ। ये मैंने डाली मटन की ग्रेवी इसके अंदर, ये मिक्स कर रहा हूँ, और ये गया पहला बाइट। मतलब बेमिसाल भाई, ये कॉम्बिनेशन तो और बेस्ट है। मतलब अगर आप बिरयानी लेने की सोच रहे हो ना, तो आप जो ये कीमा मीट है इसकी ग्रेवी लेके अलग से ज़रूर ट्राई करना इसको। साथ में ग्रेवी भी देते हो उसके आप? अच्छा, ग्रेवी के साथ तो मतलब इसमें भाई ने और चार चांद डाल दिए ग्रेवी के साथ। और मटन कीमा 250 रुपये की प्लेट है ये, एक बार ग्रेवी और दे देंगे अलग से, डैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग से आपको कोई चार्ज नहीं है उसका। तो आप लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, जो रोटी है इनकी वो आटे की है, मैदा की नहीं है, आटे की रोटी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत कम जगहों पे मिलेगी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा अशोक मीट ढाबा वाला, वहाँ पे वो जो रोटी बनाते हैं वो भी आटे की होती है, वो छोटी होती है, यहाँ जो रोटी है थोड़ी बड़ी है कंपैरेटिवली। आप नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, नान भी इनकी बढ़िया है, मटन के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मटन तो है ही है, मटन तो इज़ लाइक, ये तो इसके बिना तो अधूरी है आपकी यहाँ पे ज़िंदगी भाई। दिल्ली में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, यहाँ नहीं आए हो अगर आप, और यहाँ का मटन नहीं खाया है, तो भैया जल्दी आओ और ये ट्राई करो। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और मेरे को कमेंट में बताना कौन कौन सी जगहें हैं, ऐसे कौन से जेम्स हैं दिल्ली में जहाँ मैं जाऊँ और रिव्यू करूँ वहाँ का। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।